महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। यह मुख्य मुकाबला पार्टियों के साथ साथ गठबंधनों के बीच माना जा रहा है। कांग्रेस एनसीपी के बीच सीटों का बंटवारा हो चुका है तो बीजेपी शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ने को तैयार नजर आ रहे हैं। इनके बीच सीटों को लेकर तकरार जरूर हो रही है, लेकिन दोनों मिलकर लड़ेंगी इसकी संभावना बनी हुई है। इसके साथ ही राज्य में तीसरा फ्रंट भी तैयार होता नजर आ रहा है, जिससे महाराष्ट्र में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को लोकसभा में भारी सफलता मिली। इस गठबंधन को राज्य की 48 में से 41 सीटों पर जीत मिली, लेकिन अब विधानसभा चुनावों में तेजी से स्थितियां बदल रही हैं। पहले तो बीजेपी और शिवसेना के बीच सीटों को लेकर ही मामला नहीं सुलझ पा रहा है, दूसरा सीएम की कुर्सी को लेकर पेच अलग से फंसा हुआ है। बीजेपी शिवसेना सीटों का मुद्दा सुलझाए उससे पहले कांग्रेस एनसीपी ने सीट बांटकर राज्य प्रचार भी शुरू कर दिया है, और अब बीजेपी शिवसेना को चुनौती देने के लिए राज्य में तीसरा मोर्चा भी तैयार होने लगा है। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी और असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिशे इत्तेहादुल मुस्लिमीन लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ सकते हैं। पहले खबर आ रही थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों पार्टियों के बीच बातचीत टूट गई है, लेकिन अब AIMIM के विधायक वारिस पठान ने दावा किया है कि वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ हमारी बातचीत चल रही है। दोनों तरफ के नेताओं के बीच डायलॉग जारी है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। VBA के नेता सिद्धार्थ मोखले ने भी वारिस पठान का समर्थन करते हुए कहा कि हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन हम ये नहीं मानते कि हमारे बीच फूट है। दोनों पार्टियां लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ी थी और उन्हें 14% वोट भी मिला था, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते दोनों ही दलों के बीच दूरियां बन गई। इस दूरी का फायदा उठाते हुए एनसीपी नेता शरद पवार ने VBA को UPA में शामिल होने का ऑफर दे दिया। शरद पवार ने कहा कि हमारी पार्टी प्रकाश अम्बेडकर के साथ गठबंधन करना चाहती है। लोकसभा चुनाव के समय भी कोशिश की गई थी कि VBA हमारे गठबंधन में शामिल हो। बताया जा रहा है कि एनसीपी की ओर से VBA को 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। अब देखना है कि प्रकाश अंबेडकर शरद पवार के ऑफर को स्वीकारते हैं या फिर AIMIM के साथ गठबंधन करते हैं। प्रकाश अंबेडकर ये पहले ही कह चुके हैं कि उनकी पार्टी बीजेपी शिवसेना गठबंधन को छोड़ किसी के साथ भी गठबंधन कर सकती है। महाराष्ट्र में दलितों का करीब 10% वोट है, जिस पर प्रकाश अंबेडकर की मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अगर VBA UPA में शामिल होता है तो महाराष्ट्र का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। DB लाइव की रिपोर्ट।